आपने देश और दुनिया में होने वाले कई तरह के मेलों के बारे में सुना होगा और उन्हें देखा भी होगा, लेकिन ये मेला अपने आप में कई खूबियों के लिए जाना जाता है। आज हम आपको एक ऐसे मेले के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में इसलिए अनूठा और विचित्र है क्योंकि इस मेला केवल महिलाओं के लिए ही आयोजित होता है। इस मेले में पुरुषों की पूरी तरह से नो एंट्री होती है। आइए जानते हैं इस अनूठे मेले के बारे में। दरअसल भिंड जिले गोरमी में बड़ी जिग्गा का कालिया मंदिर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। 182 साल पहले फूल डोल ग्यारस पर्व और पर जल विहार मेले का आयोजन किया जाता है। मेले की शुरुआत मंदिर के महंत स्वर्गीय केशवदास महाराज के द्वारा की गई थी। मेला का आयोजन 5 दिन तक रखा जाता है। इस 5 दिन वाले मेले में 2 दिन पुरुषों की एंट्री पर बैन रहती है। इन 2 दिनों में केवल महिलाएँ ही खरीदारी करने आती हैं, पुरुष की एंट्री नहीं रहती, इसलिए रखी जाती है पुरुषों की एंट्री बैन। जल विहार मेले की व्यवस्था राम सुजान बताते हैं कि 5 दिन के मेले में 2 दिन की महिलाओं की एंट्री रहती है। मेला 5 दिन तक भरा जाता है जिसमें 2 दिन महिलाओं का होता है, 3 दिन पुरुषों का रहता है। मेले में कोई शरारती लोग महिलाओं पर शरारत, इसलिए ये व्यवस्था पुराने लोगों ने रखी है। गोरमी तहसील का जल विहार मेला ग्वालियर चंबल संभाग का एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ मेले में 1 दिन पूरी व्यवस्थाएँ महिलाएँ ही संभालती हैं। इस दिन मेले में महिलाएँ घूंघट की ओट से पूरी तरह आज़ाद नजर आईं। इस मेले के आयोजन को लेकर महिलाओं को काफ़ी इंतजार रहता है। आपके नगर गोरमी में जल विहार मेला, इसके लेकर क्या कहना है आपको? काफ़ी सालों से लग रहा है, बचपन से हम भी पहले आया करते थे, खरीदारी किया करते थे माता पिता के साथ, तो मेला काफ़ी अच्छा है, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले 3 दिन का लगता था, अब धीरे धीरे 8 दिन का होने लगा है। तो मेरे ख्याल से बाकी तो सब अच्छा है, लेकिन स्थान का थोड़ा सा अभाव है। अगर स्थान परिवर्तन किया जाए तो जगह में वृद्धि हो जाएगी और दुकानें भी और ज़्यादा लगने लगेंगी। मेलों के लिए भी स्थान थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। क्या स्पेशल है मेले में? इसमें मेले में तो वैसे जलेबी प्रसिद्ध है मेले की, जल विहार चलता ही इसीलिए है, गाँव से भी लोग जलेबी मरती खाने के लिए आते हैं। बोलते हैं कि एक दिन यहाँ पर स्पेशल महिलाओं के लिए रहता है। महिलाओं के लिए रहता है, पहला दिन जो होता है वो महिलाओं के लिए ही रहता है। इसमें केवल महिलाएं ही रहती हैं? केवल महिलाएं ही रहती हैं, पुरुषों को आने की अनुमति नहीं होती है। तो दुकानदार कौन रहते हैं? दुकानदार पुरुष महिला सभी रहते हैं यहाँ पर।